नमस्कार, मैं हुशवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन शनिवार को अपने पदकों का खाता खोल लिया। भारत को बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला मेडल वेटलिफ्टर संकेत महादेव विंस 55 किलो भारोत्तोलन स्पर्धा में दिलाया। संकेत सरगर ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। महाराष्ट्र के सांगली जिले के 21 वर्ष के सागर स्वर्ण पदक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने 248 किलो वजन उठाकर रजत पदक जीता। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में शुक्रवार को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बिहार के निवेशकों को लुभाने के लिए कहा कि सिक्किम दूर नहीं है। 3 घंटे में दरभंगा, वहां से 2 घंटे में सिलीगुड़ी और वहां से रेल सेवा शुरू होने के बाद 1 घंटे में सिक्किम, वहां आपका स्वागत है। हर क्षेत्र में निवेशकों को कानून के अनुसार हर तरह का सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक के उद्घाटन सत्र में कहा कि ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग जितना ही जरूरी है, ईज ऑफ जस्टिस भी है। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। पटना में आज से 2 दिवसीय बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। पटना पहुंचने के बाद जेपी नड्डा ने एयरपोर्ट से जेपी गोलंबर तक रोड शो किया। इस रोड शो में जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव काल के तहत नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने एक अभियान रिलीज UTRC@75 लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत पात्र कैदियों की पहचान की जाएगी और उनकी सिफारिश ट्रायल रिव्यू कमेटी को भेजी जाएगी ताकि उन्हें रिहाई मिल सके। इस अभियान लॉन्च के दौरान CJI NV रमन्ना, PM नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री किरण रिजिजू शामिल थे। पटना पहुंचने के बाद जेपी नड्डा ने एयरपोर्ट से जेपी गोलंबर तक रोड शो किया। जेपी गोलंबर के पास स्थित जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माल्यार्पण किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि मैं अपनी जन्मस्थली आया हूं, पटना आकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही। और मालिका वधु 2 फेम एक्ट्रेस केतकी दवे के पति एक्टर रसिक दवे का शुक्रवार को किडनी फेल हो जाने के चलते निधन हो गया। रसिक दवे को इंडस्ट्री में लोग प्यार से रसिक भाई कहकर पुकारते थे। वह पिछले 2 सालों से डायलिसिस पर थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं राज्यपाल के पद पर बैठे किसी का अपमान नहीं करना चाहता, मैं कुर्सी का सम्मान करता हूं, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने मराठियों का अपमान किया और लोगों में गुस्सा है, धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है। चंडीगढ़ में वह बोले कि ड्रग्स से कमाए धन का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में होता है। PM नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद केंद्र सरकार ने ड्रग्स के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया है, जिसे बीजेपी अपनी जीत बता रही है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि एक्साइज पॉलिसी वापस लेना ये साफ दिखाता है कि सरकार की पॉलिसी में बड़ी गड़बड़ी थी। सरकार को CBI का डर है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। शिल्पा शेट्टी हाल ही में इंडिया काउचर वीक में अपनी ग्रैंड वॉक को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बीच उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से कुछ और तस्वीरें साझा की हैं जो उनके चाहने वालों का दिल जीत रही है, जिसमें वो प्रेम मंदिर पहुंचकर बांके बिहार के दर्शन करती देखी जा सकती हैं। PM मोदी ने शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के साथ एक मंच साझा करते हुए कहा कि किसी भी समाज के लिए न्यायिक प्रणाली तक पहुंच जितनी महत्वपूर्ण है, न्याय प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। न्यायिक बुनियादी ढांचे का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए पिछले 8 वर्षों में देश के न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम किया गया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार को घोषणा की है कि देश का पहला मंकी पॉक्स मरीज पूरी तरह से ठीक हो गया है और उसे अस्पताल से जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। केरल का 35 वर्षीय मूल निवासी 12 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात से यहां आया था और 2 दिन बाद मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित हो गया था। आयकर रिटर्न फाइल करने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। आपको बता दें कि रिटर्न फाइल की 31 जुलाई अंतिम तिथि है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके ITR फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकती थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आज इसकी मांग करते हुए लोगों ने एक्सटेंड ड्यू डेट इमीडिएटली को ट्रेंड करवाया है। इसका मतलब यह कि अंतिम तारीख को तुरंत बढ़ाया जाए।
पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली लीजेंड्स लीग क्रिकेट के आगामी सीजन में खेलते हुए नजर आएंगे। खुद सौरव गांगुली ने इस बात की पुष्टि की है। सौरव गांगुली ने सोशल मीडिया के जरिए यह बताया है कि वो लीजेंड्स लीग क्रिकेट में मैदान पर खेलते हुए दिखेंगे। भारतीय रेलवे ने पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को फिर से चलाने के बारे में आदेश जारी किया है। रेलवे ने करीब 500 बंद पैसेंजर ट्रेनें फिर से शुरू करने के आदेश दिए हैं। साथ ही करीब 100 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी जल्द ही पटरी पर दौड़ने लगेगी। पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। चटर्जी और कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी ने साल 2012 में संयुक्त रूप से एक फार्म हाउस खरीदा था। ये फार्म हाउस शांति निकेतन में खरीदा गया था। इसके लिए 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी को 50 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था। इसके साथ ही 5 किलो सोना भी मिला था। मशीनों के इस्तेमाल से सभी कृषि कार्य आसानी से निपट जाते हैं और फसलों का उत्पादन भी समय से पहले मिल जाता है। इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार की SMAM योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को सस्ती दरों पर कृषि यंत्र और मशीनरी दे रही है। इसी योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 40% सब्सिडी और आरक्षित वर्ग के किसानों को करीब 50% आर्थिक अनुदान का प्रावधान रखा गया है। भारत के युवा ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल के लिए वेस्टइंडीज दौरा यादगार रहा। वह 3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज के अलावा आखिरी मैच 98 रन की पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच भी बने थे। वह उनके वनडे करियर का पहला मैन ऑफ द सीरीज खिताब है। भारतीय बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कहा कि वो फिनिशर की भूमिका का आनंद ले रहे हैं। यह एक बहुत ही दिलचस्प भूमिका है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ आप बहुत सुसंगत हो सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों में आप टीम पर प्रभाव डाल सकते हैं। आपको कप्तान और कोच के समर्थन की जरूरत है और मेरे लिए यह काफ़ी है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या जनपद में कई जगहों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है। इसी से रुदौली तहसील क्षेत्र के कामाख्या धाम मंदिर के आसपास के बड़े भूखंड को विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में ही कतरनिया जंगल दुधवा नेशनल पार्क जैसा पर्यटक स्थल विकसित करने का प्रस्ताव प्रशासन को भेज दिया गया है। सावन का तीसरा सोमवार पर विनायक चतुर्थी शिव योग और रवि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व 2 गुना हो गया है। महादेव के साथ उनके पुत्र गणपति की उपासना से विशेष फल मिलेगा। शिव मुट्ठी में 5 प्रकार के अनाज शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं, जिसमें काला तिल, मूंग, अरहर दाल, जौ, गेहूँ, अक्षत काला तिल शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने शनिवार को सूचित किया कि भारत में पिछले 24 घंटों में 20,408 नए कोविड के 19 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोविड 19 मामलों की कुल संख्या अब 4,40,138 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 44 लोगों की जान भी गई है। देश में 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया लगातार 5वें दिन भी शनिवार को जारी रहा। अभी तक 1,49,855 करोड़ रुपए मूल्य की बोलियां लगाई जा चुकी हैं। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा था कि अभी तक नीलामी के लिए रखे गए कुल स्पेक्ट्रम का करीब 71% हिस्सा बेचा जा चुका है। जिस तरह से बोली 5वें दिन में पहुँच गई है, उससे यह अनुमान लग रहा है कि सरकार को नीलामी से अच्छी कमाई होने वाली है। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में लग गई है। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत पार्टी 9 अगस्त से करेगी। इस दिन देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा निकाली जाएगी। रिपोर्ट्स के माने तो पूर्वांचल को लेकर अखिलेश यादव ने मेगा प्लान तैयार किया है। केरल के एक्टर शरत चंद्रन का शुक्रवार को 37 साल की उम्र में निधन हो गया। हालांकि उनकी मौत की वजह क्या रही है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। उनके साथ काम करने वाले एक्टर और फैंस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शरत चंद्रन के निधन की पुष्टि एक्टर एंटोनी वर्गीज ने अपने पोस्ट के जरिए की। पंजाब में गैंगस्टर से निपटने के लिए सरकार पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ अदालती व्यवस्था पर भी ध्यान दे रही है। सरकार अब फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी। इसे लेकर सरकार जल्द ही मीटिंग करेगी, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध देवघर के लिए आज से दिल्ली से सीधी विमान सेवा आरंभ हो गई है। कुछ समय पहले इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6191 ने देवघर के लिए उड़ान भरी थी। इस दौरान फ्लाइट की कमान संभाल रहे छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने विमान में सभी यात्रियों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली से देवघर की दूरी लगभग 900 किलोमीटर है, जिसे 1 घंटे 35 मिनट में पूरा किया जाएगा। संकेत सारगर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शनिवार को सिल्वर मेडल के साथ भारत का खाता खोला। सारगर ने कुल 248 किलो वजन उठाया, जबकि गोल्ड पर कब्जा जमाने वाले मलेशिया के बिन कस्टन ने 249 किलो का भार उठाया। स्नैच में सारगर ने पहली कोशिश में 107 किग्रा और दूसरी कोशिश में 111 किग्रा उठाया था। तीसरी कोशिश में उन्होंने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 113 किग्रा भार उठाया।
एक पॉपुलर मैगजीन के लिए न्यूड फोटो शूट कराना रणवीर सिंह को काफी भारी पड़ गया है। सर्कस एक्टर मुश्किलों में फंसते ही जा रहे हैं। रणवीर सिंह पर महिलाओं की भावनाओं को आहत पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ है। जानवी कपूर ने कहा कि मुझे लगता है कि वो फोटोशूट काफी आर्टिस्टिक फ्रीडम को दिखाता है और इसके लिए किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कृष्णा महतो, विपिन यादव, दीपक कुमार, प्रशांत कुमार, ऋषि राज, जुगेश कुमार और सुरेंद्र पंडित। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि CWG कॉमनवेल्थ गेम में भारत को पहला रजत पदक दिलाने वाले संकेत सरगर को आप कैसे बधाई देना चाहेंगे? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।